फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर और साबूदाना की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये साबूदाना टमाटर के कुरकुरे है, आप व्रत या उपवास में भी आप इसको खा सकते हो और आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा केजी साबूदाना लिया था, आप कोई भी वेराइटी का साबूदाना इसमें यूज़ कर सकते हो। हम 3 से 4 पानी से इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसमें 3 से 4 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। एक उंगली जितना इसमें आ जाए, डूब जाए, उतनी हमें इसमें पानी डाल के फिर हम इसको भिगोने के लिए रख देंगे। इसको ढक के हम 8 से 10 घंटा के लिए छोड़ सकते हो, और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 6 घंटे के लिए भी आप इसको भिगो के रख सकते हो। तो हम इसको ढक के ऐसे ही रख देंगे। हम 8 से 10 घंटे के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, साबूदाना हमारा ऑलमोस्ट भीग के डबल हो गया है, और ये देखिए भीग भी गया है अच्छे से। तो इस तरह से चेक कर लेना। तो इसमें ज़्यादा अभी पानी नहीं है, देख लिए अच्छे से भीग गया है। तो इतना ही पानी डाल के हम इसको भिगोना है, और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब हम इसको स्टीम करने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी इसमें डाल दिया है साबूदाने में। तो ये जब तक स्टीम हो रहा है लो फ्लेम पे, तब तक हम टमाटर की प्योरी बना लेते हैं, क्योंकि हम साबूदाना टमाटर के कुरकुरे बना रहे हैं। तो मैंने आधा केजी साबूदाना लिया था, तो मैंने यहाँ पे 1 केजी टमाटर लिया है, और मैंने इसको वॉश करके क्लीन कर लिया है टमाटर को। तो अब हम इसके बड़े पीसीस में कट करके मिक्सी जार में डालते जाएंगे। तो आप इसको पहले स्टीम करके भी इसकी प्योरी बना सकते हो, और ऐसे डायरेक्ट भी आप चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट बिना बॉईल किए भी इसकी प्योरी बना के रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से हम बड़े पीसीस में इसको कट करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। और टमाटर की क्वांटिटी मैंने आधा केजी के सामने 1 केजी टमाटर लिया है, तो मैंने प्योरी बना के रेडी कर ली है। और मैंने छानने के लिए छन्नी रख दी है और एक बाउल रख दिया है। तो हम प्योरी बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे, तो जितनी भी आएगी उतनी डाल देंगे। फिर हम इसको टमाटर की प्योरी को छान के रेडी कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो बीज और छिलके का पार्ट होगा वो हम निकाल देंगे। तो इस तरह से स्पैचुला से इसको घुमाते जाएंगे और इसकी प्योरी हम रेडी कर लेंगे। तो हमने इसको छान के रेडी कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको निकाल देंगे। और इस तरह से हमें इसकी प्योरी रेडी कर लेनी है। तो ये हमारी टमाटर की प्योरी रेडी हो गई है, और देख लेंगे, और बीच बीच में हमें इसको चलाता भी जाना है जब भी हम टमाटर की प्योरी रेडी करते हैं उस टाइम पे, ताकि साबूदाना नीचे से चिपकेगा नहीं। और ऑलमोस्ट 70 से 80% साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे उस टाइम में। और हमने जो टमाटर की प्योरी रेडी की है वो इसमें डाल देंगे, और इसको लगातार हमें मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही हमें इसको चलाते रहना है, ताकि नीचे से बिल्कुल भी ना चिपके। और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक ही हमें इस तरह से इसको चलाना है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सिंधा नमक यूज़ किया है, आप कोई भी नमक का यूज़ कर सकते हो, आप जो भी फास्ट में खाते हो। और 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे, और 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें रेड चिल्ली का यूज़ कर सकते हो। और जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा तब तक हमें इसको पकाना है। तो स्पैचुला आप इस तरह से रख के आप चेक भी कर सकते हो कि गाढ़ा हो गया है कि नहीं, और हमने रख के इसको चेक कर लिया है, और ये बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है, चकली बनाने के लिए परफेक्ट हो गया है। तो 1 मिनट ऐसे इसको चला के फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसको ढक के हम 2-3 घंटे के लिए इसे ही छोड़ देंगे, ताकि और भी गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, तो हमें बनाने में आसानी रहेगी। तो ये गाढ़ा हो गया है, 2-3 घंटे इसे ही हमने इसको ढक के छोड़ दिया था। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गट्ठे ना रहे। अब मैंने यहाँ पे ये चक्री का जो साँचा आता है वो लिया है, मैंने ऑयल से इसको ग्रीस करके ले लिया है। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे जो साबूदाना का हमने रेडी किया है वो।
तो मैं दो तरह से आपको दिखा रही हूँ, आप इस तरह से सांचे में डाल के भी आप इसको बना सकते हो, कुरकुरे और या प्लास्टिक की कोई पॉलीथीन लेके भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ। तो पहले मैंने ये सांचे में बैटर भर के इसको रेडी कर लिया है, इसको बंद करके साइड में रख देंगे। और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सांचे में बनाने में, और आप पॉलीथीन में बनाओगे तो ये जल्दी बन जाता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं रहती है उसमें। तो आप कोई भी, आपको जो भी पसंद है उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये सांचा भर के मैंने रेडी कर लिया है, अब मैं पॉलीथीन में भी आपको दिखा रही हूँ। तो पॉलीथीन आप कोई भी ले सकते हो, आपके घर में जो भी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी वाली पॉलीथीन ली है, इसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और इसमें भी बैटर डाल देंगे। और कौन जैसा शेप हो जाए उस हिसाब से एक साइड से ही बैटर हम डालेंगे, तो हमें बनाने में आसानी रहेगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डाल देंगे, इस तरह से हमें नीचे तक इसको लेके इस तरह से पकड़ लेना है, ये सेट हो जाएगा। फिर हम नीचे से थोड़ा सा काट लेंगे और इस तरह से बड़े बड़े हम कुरकुरे शेप में इस तरह से इस पॉलीथीन को प्रेस करते जाएंगे और हम इसको इस तरह से बना लेंगे। इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बैटर बनाने में कितना हमें टाइम देना है। बैटर बनाने के टाइम पे हमने दिखाया था कि साचा एकदम खड़ा रह रहा था, उतना ही हमें बैटर गाढ़ा बनाना है। तो वो एक ध्यान रख के फिर आप बैटर बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो ये हमने पूरा चकली इसमें फैला के रेडी कर लिया है, अब हम इसको सुखाने के लिए रख देंगे। तो ये सूख जाएगा तो इस तरह से हमें इसको निकाल लेना है। तो मैंने इसको ओवरनाइट फैन के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये सूख गया है। तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे, फिर हम इसको धूप में भी सुखाएंगे ताकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा तो ये निकल जाएगा और ये पूरे साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, आप कोई भी व्रत या उपवास में आप इसको खा सकते हो। और ये देखिए अच्छे से ये सूख भी गया है, हम इसी तरह से इसको निकाल के रेडी कर लेंगे। तो मैंने ये सारा निकाल के रेडी कर लिया है, अब मैं यहाँ पे एक दिन इसको धूप में सुखा दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाएगा, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो मैंने इसको धूप में सुखा के ले लिया है और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है और अच्छे से सूख भी गई है। हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं पूरे साल, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये लच्छा गर्म हो जाए फिर हम इसको फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करना है। तो थोड़ा सा हमें जो कुरकुरे इसमें डाल देंगे बनाए हैं वो, और फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितने अच्छे ये फुलके रेडी हो गए हैं। इसी तरह आपको जितनी भी ज़रूरत है उतने हिसाब से आप इसको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हो, और बाकी का आप स्टोर करके पॉलीथीन में फिर आप रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप ये व्रत और उपवास में आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने ये फ्राई करके रेडी कर लिया है, मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। और देखिए कितना क्रिस्पी ये बना है, और दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार से ज़रूर ट्राई करना। साबूदाना और टमाटर की कुरकुरे बन के रेडी हो गए हैं।